आप सभी देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। किस्मत कनेक्शन में हम रोजाना बात करते हैं आपके भाग्य की, आपकी किस्मत की, साथ ही खास बात करते हैं वास्तु की। जी हाँ, तो वास्तु का ज्ञान हम सभी के लिए कितना जरूरी है। वास्तु के मुताबिक हमारे घर का नक्शा हो वो कितना जरूरी है। जहाँ हम काम करते हैं वहां पर वास्तु दोष ना हो, अगर हो तो उसका उपाय क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है हम सब के लिए। ये सब बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे साथ वास्तुकार एक्सपर्ट इंद्रजीत कश्यप जी हैं। इंद्रजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज हम इंद्रजीत कश्यप जी से जानेंगे वास्तु के बारे में, साथ ही वास्तु के मुताबिक आपका शयन कक्ष कैसा होना चाहिए, जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर उनके पढ़ने का स्थान है वो कैसा होना चाहिए, कहीं वहां पर कोई वास्तु दोष नहीं है, कहीं आपका बच्चा मन लगाकर पढ़ रहा है, वो रोजाना पढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो कंसंट्रेशन के साथ उस पढ़ाई को नहीं कर पा रहा, यानी कि कुछ ना कुछ आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, तमाम सवाल अपने पूछ सकते हैं। वास्तुकार एक्सपर्ट है हमारे साथ, आप उनसे उनका जवाब और उपाय भी जरूर पूछ सकते हैं। चलिए इंद्रजीत जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बेडरूम की जब हम बात करते हैं कितना अहम होता है, जहां पर हम शयन कक्ष है, जहां पर हम अपने पूरे दिन की थकावट को निकालते हैं, चैन की नींद हम सोएं, इसके लिए क्या उपाय। शयन कक्ष की बात कर रहे हैं, शयन कक्ष में सबके लिए देखिए अलग अलग बातें होती है किसके लिए कौन सा रूम चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल, यदि छोटे बच्चे को आप साउथ वेस्ट में दे देंगे, छोटे बच्चे या बड़े, आपके बच्चे को यदि साउथ वेस्ट में दे देंगे तो बच्चा आप पे हावी रहेगा। क्यों, इसका कारण समझिए। शयन कक्ष होना कहाँ चाहिए, देखिए जो मास्टर बेडरूम की बात की जाती है वो जो हेड ऑफ फैमिली है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए जो मुख्य स्थान है वो है साउथ। आज के रेट में अब ये साउथ सुनते ही कुछ लोग कहेंगे जो नहीं जी ये गलत है, साउथ वेस्ट होना चाहिए। मैं भी साउथ वेस्ट कह सकता हूँ लेकिन जो अकॉर्डिंग टू शास्त्र है वो साउथ है और आजकल चल रहा है साउथ वेस्ट, उसका कारण समझाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, पहले क्या था, जो आपके परिवार में जो समाज में जो बलवान होता था उसकी चलती ज्यादा थी। आजकल क्या है, आजकल जो बदमाश है उसकी ज्यादा चलती है। अब देखिए मंगल है, साउथ के ग्रह कौन है, मंगल है, तो मंगल क्या है, बलवान है, तो मंगल पहले होता था, यानी मंगल है तो बलवान है, जो बलवान है उसकी चलती है। शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, तो साउथ में होना चाहिए। एक दूसरी बात, आजकल चल रहा है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट राहु है, कंफ्यूजन है वहां पे। यदि आप शास्त्र की बात करेंगे तो वहां पे कहा गया है कबाड़ा रखने के लिए, यानी कोई आपको अनयूज्ड सामान, भारी सामान, उसके लिए स्टोर की बात की जाती है साउथ वेस्ट में जी। इतना ही नहीं, जो जैसे शस्त्र उपकरण है साउथ वेस्ट में, क्यों, उसका प्रभाव भी रहेगा, यूज भी कम होगा। यही यदि शस्त्र आप रख देंगे नॉर्थ वेस्ट में तो बात बात पे आप अपना आर्म्स निकाल लेंगे, लड़ाई हो जाएगा, आज जब निकालेंगे तो हो सकता है कभी चले भी, इसलिए वह एक, यानी बात बात पे उसका यूज होगा, यहाँ पे उसका प्रभाव भी रहेगा, यूज भी कम होगा, तो इसलिए शस्त्र उपकरण भी हम साउथ वेस्ट में देते हैं। अब जब बेडरूम की बात आती है तो हेड ऑफ फैमिली सबसे पहले होता है, हेड ऑफ फैमिली है कौन। देखिए जो सत्य है वह हेड ऑफ फैमिली जो आपके पिता हैं, जो आपके बड़े हैं, सबसे बड़े घर में वही हेड ऑफ फैमिली है। अब यहां दूसरी बात होती है, जो इकोनॉमी किसके ऊपर टिकी हुई है घर की, जिसके ऊपर इकोनॉमी टिकी होगी वह भी हेड ऑफ फैमिली ही कहलाएगा, एक पार्ट है उसका हेड ऑफ फैमिली का। बड़े पुत्र को हम हेड ऑफ फैमिली के लिए देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो लोग पैसा कमा रहा है, कोई भी आप ये एकदम सामान्य सी बातें हैं, यदि कोई पैसा कमा रहा है वो घर को चला रहा है, उसकी बातें घर में नहीं सुनी जाती है तो क्या होगा, वो एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मेरी बात कोई नहीं सुनता, वो परेशान रहेगा, इसलिए घर का वातावरण फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो थोड़ी सी उसकी भी बात सुनी जाए। इस वजह से अब किसके लिए, तो हेड ऑफ फैमिली के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो साउथ है और साउथ वेस्ट भी आप देश काल पात्र जो आजकल प्रचलन में है उसके अनुसार साउथ वेस्ट भी आप दे सकते हैं हेड ऑफ फैमिली के लिए। बड़े पुत्र के लिए, अब यदि आप हेड ऑफ फैमिली जो घर में आपके पिता हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए यदि आप साउथ वेस्ट देते हैं तो जो जिसके ऊपर इकोनॉमी है, जो अर्निंग मेंबर है, उसको आप साउथ में ठहरा दें। यदि आपका फ्लोर दो फ्लोर है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पर, देखिए सुविधा
वास्तु में हमेशा सुविधा की बात की गई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे सुविधा मिले। वास्तु शास्त्रम प्रवक्षामि लोकानाम हितकामया, वास्तु शास्त्र का उद्देश्य लोगों को कल्याण मार्ग में लाना है। तो सबसे पहले यानी आपको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा कैसे मिल सके। लोग अक्सर बात करते हैं क्या होता है वास्तु, अरे कुछ नहीं होता है, इसको बदल देने से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, एक आप काजल लगाते हैं, आंखों पे लगाते हैं, चेहरे पे लगा लेंगे, थोड़ा सा तो अंतर है, क्या होगा, लगा लो आप चेहरे पे, वो भी आंख भी आपका चेहरे में ही है, लेकिन नहीं हो सकता। यदि आप वो अलग करेंगे तो फिर वो कालिक नहीं है, तो कालिक लग गया तुम्हारे चेहरे पे, इस तरह की बातें होगी। तो बहुत ही जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं उनकी क्या समस्या है। सुनील नमस्कार, पूछिए आपका सवाल क्या है। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरा सवाल है, वास्तु एक्सपर्ट से सवाल है, पंडित इंद्रजीत कश्यप जी से, कि मैं अभी अभी नया काम स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है नया, और एक्चुअली मेरा बिजनेस जो पुराना बिजनेस, दो बिजनेस मैंने पहले स्टार्ट किए थे, उनमें मेरा काम नहीं चला था। तो अभी जो न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि कहीं कोई समस्या नहीं है, किस वजह से नहीं, क्या हो रहा। देखिए सुनील जी, सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये थोड़ा सा ये समझने की चीजें हैं। आज हम आप बिजनेस में, कोई भी बिजनेस ऐसा आज के डेट में नहीं है जो बहुत ही कम में, बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगा लेते हैं, लेकिन उस बिजनेस को सही रूप से चलाने के लिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। घर हम करोड़ों में घर बना लेते हैं, लेकिन उस घर को सही दिशा में सही चीजें रखी जाए, इसके लिए हम उस पर ज्यादा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। एक घर हमें नीचे से ऊपर तक पहुंचा। अब देखिए आपका सवाल है बिजनेस से संबंधित, तो बिजनेस के लिए मैं बताता हूं दोनों आवश्यक है, घर भी और आपका जहां व्यापार कर रहे हैं वो भी। उसका कारण समझाता हूं। घर कहता है जो धन लाभ होगा, तो धन कहां से आएगा, क्या रात में कोई बैग छोड़ के चला जाएगा, ऊपर से गिर जाएगा, नहीं। तो धन आएगा, हम जो काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, उसी से हमारा धन आएगा। तो यदि घर सही है तो कह रहा धन आएगा। अब दूसरी बातें होती है, हमारा घर सही हो और बिजनेस यदि सही जहां हम कर रहे हैं वो सही नहीं हो, तो क्या धन आएगा। तो जो पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए वो नहीं आएगी। आपका आपकी आपकी शिकायत रहेगी अक्सर, जो नहीं जी मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो यदि आप बिजनेस में फेल्योर कर रहे हैं तो अपने नॉर्थ, घर का नॉर्थ दिशा को चेक कीजिए। नॉर्थ की दिशा में आपका प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से आप बिजनेस में बार बार फेल्योर कर रहे हैं। नॉर्थ दिशा को सही कीजिए तो आपका बिजनेस चलेगा। एक दूसरी बात, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे किस चीज का बिजनेस है उससे भी संबंधित होती है, उसको ध्यान दीजिए। यदि कोई सामान बेचने का बिजनेस है, कोई ऑफिस है, तो ऑफिस का अलग वास्तु होता है, ट्रू वास्तु होनी चाहिए, यानी आपका वास्तु सही होना चाहिए। बहुत सारे आज के डेट में एक दुकान सी हो गई है, जो आप जाए वास्तु करवाएं, हो गया, हाँ जी हमने करवाया था। बहुत सारे लोग आते हैं पिरामिड लगा देते हैं, लाखों का पिरामिड लगा देते हैं, और आप कहते हैं नहीं जी मैं तो बहुत बड़े से करवाया था। क्यों? तो बड़े की जो तुलना हम करते हैं, बड़े की जो हम गणना करते हैं, वो करते हैं जितना पैसा ज्यादा खर्च हो गया वो सबसे बड़े हो गए। नहीं जी, व्यापार नहीं है यह शास्त्र से संबंधित है। अब स्वाभाविक है, यदि कोई शास्त्र से संबंधित है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो अपना पेट भी चलाएगा इसी से, उसका रोजगार भी यही है। लेकिन ये नहीं जो पूरा पूर्ण रूप से बिजनेस नहीं होना चाहिए, इसमें पूरा बिजनेस नहीं है ये। आप सही से वास्तु करवाएं, हर हाल में गारंटी, जैसे मैंने कहा, तो घर के नॉर्थ को सही रखें, बिजनेस में भी सही रखें, बिजनेस का भी नॉर्थ सही होना चाहिए, और निश्चित रूप से आपका फायदा होगा, आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी जो हमने खोला और बंद हो गया। चलिए अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। ओम प्रकाश जी है, नमस्कार ओम प्रकाश जी, पूछिए आपका सवाल क्या है। नमस्कार जी। जी बोलिए ओम प्रकाश जी। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। आज पंडित जी से पूछना है कुछ भविष्य के बारे में। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए परेशानी बताइए। हाँ जी, मैं थारा से बोल रहा हूँ पंडित जी। क्या हुआ? थारा टाउन से। हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ छाला गांव से बोल रहा हूँ, मेरा अपना विद्यालय है जी, विद्यादशी में पानी की समस्या है, हमने लाख यत्न कर लिए पानी 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 पीने के लिए, पानी पीने के लिए पानी का जो स्थान होता है मैं वो बताऊंगा। वहाँ यदि पानी की समस्या है तो उसके लिए भी साधन होता है, जो कहाँ पानी आएगा। ये वास्तु में आपको आश्चर्य होगा पूजा जी, जो वास्तु में पानी कहाँ आएगा इस तक का विचार किया गया है जी। कब पानी निकलने से मीठा पानी आएगा उसका विचार किया गया है,
कब नहीं खोदना चाहिए, कब खोदना चाहिए, उस सब का विचार किया गया। जहां तक हम सोच पा रहे हैं वहां, मतलब वहां से तो कहीं एक तरह से स्टार्ट ही होता है। जहां हम सोचना बंद कर देते हैं वहां से तो स्टार्ट ही होता है। आजकल सिंपल 2 मिनट का वास्तु है, ये इधर ऊंचा ये नीचा करो, ये मास्टर बेडरूम ये किचन, हो गया वास्तु समाप्त। नहीं, पानी कहाँ आएगा उसकी भी बात की जाती है। आपको मैं बताऊं, एक दुर्भाग्य ये तब होता है जब कोई रेफरेंस देना पड़ता है कहीं बाहर का, विदेशों का। जर्मनी में एक बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, वास्तु पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहां पे है, जो कि आपको बताता है जो पानी भारत में नहीं है, क्यों नहीं हो सकता है। यदि हमारी चीजों को यहाँ पे यदि जोड़ दिया जाए तो हम विश्व शक्ति बन सकते हैं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। अब बताइए वहां पे है जो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पानी में कितना खारा ज्यादा पानी है या मीठा पानी है या कितने मीटर पे पानी है। और आपको मैं बताऊं, जो मशीन है वो 5000 मीटर, 5000 फीट की तरह कितना हो गया, 5000 मीटर नीचे तक बताता है जो कहाँ पे पानी का क्या रेशियो है। तो पानी आप रखें। दूसरी बात, आपका विद्यालय है तो आप इसमें ये ध्यान रखें जो पानी का कनेक्शन जो हो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। हाँ। यानी आप कोई भी पानी का साधन नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखें, पीने का पानी भी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में इस दिशा में रखें, तो निस्संदेह आपको फायदा होगा। बिल्कुल फायदा जरूर होगा, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, तभी जो आपकी समस्या है उसका निदान होगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु की। जी हाँ, वास्तु के मुताबिक आपका शयन कक्ष यानी कि जो आपका बेडरूम है वो कैसा होना चाहिए, साथ ही अगर उसमें कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है और वो कितना घातक आप सभी के लिए हो सकता है। नवीन हमारे साथ हैं, एक दर्शक, उनसे जरा बात कर लेते हैं, क्या समस्या बताइए नवीन जी। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो आप हमेशा मैं प्रोग्राम कभी उपस्थित हूँ और मैं हमेशा ये देखता हूँ, वेट करता हूँ कि ये प्रोग्राम कब आए। और ये सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके हरियाणा न्यूज चैनल को पूरे। जी बहुत शुक्रिया नवीन इसके लिए। हाँ। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम ऐसा है, एक तो कैरियर के बारे में और अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाह रहा था कि मेरी जॉब कब लग पाएगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कैसा रहेगा, कैसे सही रहेगा, उसकी बात हम नवीन जी करेंगे। पुत्र प्राप्ति के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, पुत्र प्राप्ति होगी या कैसे, या है योग है या नहीं है। मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले तो पुत्र और पुत्री के विषय में ज्यादा आपको पता ही है, उसमें विशेष हम बात नहीं कर सकते। क्या है, देखिए वंश वृद्धि की बात करते हैं तो पुत्र के लिए लोग बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं जो डायरेक्शन क्या है उस पर मैं बताता हूँ। अपने नॉर्थ ईस्ट को सही रखेंगे तो हर हाल में पुत्र सुख कहा गया, संतान सुख कहा गया। इस पे ज्यादा हम क्योंकि पुत्र और पुत्री के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा और अंतर वो सही नहीं है। लेकिन बट मैं इसके लिए आपको संकेत देना चाहता हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट यदि आपका सही रहेगा तो संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, एक बात। दूसरी बात, आपका है जो मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ में जैसे आपका कैसे अच्छा रहेगा उसके लिए मैं बताता हूँ। जो आपका यदि जैसे साउथ ईस्ट में कभी भी शयन कक्ष नहीं रखें। आप क्या एज हो रही है आपकी नवीन जी? मेरी 28 है। 28 है तो निसंदेह आप अपना जो बेडरूम है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में रखें, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और क्या कहते हैं पुत्र संतान के लिए आपकी बात होगी। और करियर से संबंधित नॉर्थ को आप सही रखें तो आपका करियर में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। जी शुक्रिया नवीन जी आपका। तो जो बातें आपको कही गई हैं उसका ख्याल रखिए, फिर देखिए जो समस्या आपको आ रही है वो नहीं आएगी। बाकी के दर्शक भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, टेलीफोन लाइन लगातार खुली हुई, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, कॉल करके जो भी आपकी समस्या है वास्तु के मुताबिक हम उसको सुलझाएंगे। तो वास्तु को लेकर अगर आपके जहन में कोई और सवाल है वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इंद्रजीत जी, हमने बेडरूम की बात की, साथ ही आज हम बात करना चाहते हैं विशेषकर बच्चों की पढ़ाई की। अक्सर पेरेंट्स ये सवाल करते हैं और उनके मन में शंका होती है कि उनका बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन वो पढ़ाई उसका फल उसको मिल नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है? देखिए पढ़ाई के लिए सबसे पहले जगह कौन सा है, आपने जगह कौन सा चुना है। अध्ययन कक्ष के लिए मैं बताऊं सबसे जो मुख्य जगह है वो है आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट,
यहाँ अध्ययन कक्ष अकॉर्डिंग टू शास्त्र 16 कमरे की जब बात की गई तो उसमें अध्ययन कक्ष के लिए विशेष जगह कहा गया। अब ध्यान दीजिए, साउथ वेस्ट, वेस्ट में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में रहने के कारण क्या होगा, ये पढ़ाई जो होती है ये नहीं है जल्दबाजी ऐसे करके करे पढ़े और हो गया, नहीं, स्थिर से बैठना होता है। तो उस दिशा में रहने से क्या होगा, आप स्थिर से बैठ पाएंगे। अक्सर होता है जो बच्चे, अरे मेरे बच्चे तो पढ़ने में तेज है और बैठते ही नहीं है, बैठना ही नहीं चाहते। निस्संदेह आंख बंद करके आपका जो डायरेक्शन होगा, बच्चे के पढ़ने का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जब भी बच्चा बैठेगा पढ़ने के लिए, वो टिकेगा नहीं, थोड़ी देर में पढ़ेगा और चला जाएगा। सबसे जो बेस्ट जगह है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, इन वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है नॉर्थ ईस्ट, वहां के ग्रह है बृहस्पति, तो वहां पे आप पढ़ने का स्थान दे सकते हैं। उसके बाद अब ईस्ट से नॉर्थ तक कहीं भी आप चुनाव कर सकते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, इन सब जगह पे आप बच्चे का पढ़ाई का, सबसे पहले जगह की बात कर रहे हैं, जगह का चुनाव करें, बच्चा हर हाल में पढ़ेगा। कहां नहीं करना है जी, साउथ के एरिया में पूरा कहीं भी नहीं करना है, साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट जी, इन सब दिशाओं में नहीं करना है, और नॉर्थ वेस्ट तो कदापि नहीं करना है। दूसरी बात है, अब बच्चा कैसे पढ़े उसकी बात करेंगे, बच्चा कैसे पढ़े, बच्चा पढ़ेगा सबसे पहले, देखिए मैं बार बार एनर्जी की बात करता हूँ, एनर्जी का फ्लो होता है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चे का जो फेस हो वो हमारा ईस्ट या नॉर्थ की ओर हो तो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देगा, ईस्ट या नॉर्थ की ओर पढ़ाई का सबसे मेन जगह है। उसके बाद बच्चे में अंदर में जो कमरे का जो इंटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात करेंगे जी, जी आगे ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, साथ ही ये भी बात करेंगे कि आखिर बच्चों का जो अध्ययन कक्ष है वो किस तरह का होना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। इंद्रजीत जी, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की, उनको कहाँ पर पढ़ना चाहिए, उनका जो अध्ययन कक्ष होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। जी, अध्ययन कक्ष में मैंने कहा जो सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो फेस उसका क्या होगा। मैं बताऊं आपको, बहुत सारे क्या होता है, कहीं भी अध्ययन कक्ष हो, कुछ आएंगे आपको दे देंगे जो एजुकेशन टावर है ये पर, एजुकेशन टावर रखने से यदि बच्चा पढ़ लेता तो हर कोई तो एजुकेशन टावर ही रख लेता, उसमें क्या लगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रू वास्तु को ध्यान दें, आप वास्तु में वास्तु को समझें, ये नहीं जो एक सामान बेचने की दुकान है और वो उस तरह से सामान बेचा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आप ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग ही बच्चे को बिठाएं, आप देखेंगे हर हाल में बच्चा का बच्चा आपका पढ़ने में ध्यान लगाएगा और मन लगेगा उसका पढ़ने। आप जो क्या कहते हैं अध्ययन कक्ष की बात करें तो अध्ययन कक्ष में आप नॉर्थ ईस्ट के कोने में किसी गुरुजी या माँ सरस्वती का या जिनको भी आप मानते हैं उनकी आप पिक्चर लगा सकते हैं। बाकी जैसे मैंने इसे पहले भी बताया, जो शयन कक्ष वगैरह में कहीं भी शयन कक्ष में खास करके कोई भी देवताओं की मूर्ति रखने के लिए मना किया जाता है, लेकिन बट अध्ययन कक्ष में आप रख सकते हैं। अब किताब किधर रखें, किताब के लिए जो अलमीरा होना चाहिए वो आपका साउथ या वेस्ट की दीवार पे होना चाहिए, उसमें आप क्या कहते हैं अलमीरा वगैरह रखें, और निस्संदेह आपका बच्चा पढ़ाई में हर हाल में ध्यान देगा। ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट दिशा को अवॉइड करें, साउथ वेस्ट में रखेंगे तो बच्चा ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा, डोमिनेटिंग टाइप का हो जाएगा, और साउथ ईस्ट में रखेंगे तो बच्चे में गुस्सा ज्यादा आएगा। तो इन सब दिशाओं को अवॉइड करें और आप सही दिशा का चुनाव करें तो निस्संदेह बच्चा आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जी, तो चलिए आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको यही बताया कि कैसे आपको अपने बेडरूम को सही रखना है और साथ ही जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं उसका रूम कैसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत कश्यप जी, आप हमारे साथ आए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आप इन सभी उपायों को जल्द से जल्द अपनाएंगे। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में इतना ही, नमस्कार।